आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इसका एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक की कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर देना है, अपने मनी को इन्वेस्ट कर देना अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही समय पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है, बचपन में आप सभी ने हाइड एंड सीक खेला होगा। अगर आप एक ही जगह सभी छुप जाएंगे तो सीकर आपको इजिली ढूंढ लेगा, क्योंकि आप एक ही जगह छुपे हैं तो एक साथ आप सब आउट हो जाएंगे। अगर वो आप उसने आपको ढूंढा और एक साथ आप सबको आउट कर दिया। लेकिन अगर आप जितने भी प्लेयर्स हैं अलग अलग जगह छुपते हैं, तो सीकर अगर एक को पकड़ता है, एक को आउट करता है, तो बाकी के पास चांसेस है कि वो सीकर को ढूंढने वाले को आउट कर सके। तो सेम ऐसा ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में होता है। जब आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। मींस अगर आपने अपना सारा पैसा एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया और अगर आपको लॉस हो गया, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने, तो आपका सारा पैसा लॉस में चला गया। लेकिन अगर आपने वही अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपने मनी को इन्वेस्ट किया, तो अगर किसी एक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इट्स ओके, बाकी तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपका मतलब लॉस हुआ, बट लॉस आपको थोड़ा हुआ, बाकी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया, आपका लॉस मिनिमाइज हो गया, आपको रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर भी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अगर आपने एक ही जगह कर दिया तो आपका सारा लॉस। तो सेम वे होता है डाइवर्सिफिकेशन का, यही यूज होता है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट है, उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बिहेव करता है एक सेम टाइम पे। आज एक ही सेम टाइम पे हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग परफॉर्म करेगा, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, तो इससे आपका अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका लॉस कम होगा, आपका रिस्क यहाँ डाइवर्सिफाई करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अपने पोर्टफोलियो का अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक इंडिविजुअल क्लास में आपको ये क्लियर किया है मैंने। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप किसी इन्वेस्टर के, अगर आप एज ए एडवाइजर इस कोर्स को ले रहे हैं, तो अगर आपने किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हैं, तो उसके सभी उसके मनी को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास। स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, दोनों ही नाम हमने बहुत सुने हैं और हम अपना करियर भी इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, बट करें कैसे? ये प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, केवल स्टार्ट करने के लिए ही नहीं, स्टार्ट करने के बाद के भी। सो उसका एक सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स, जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम इक्विटी डेट पोर्टफोलियो बनाना, इसके अलावा टेनर रेशियो, शार्पे रेशियो जैसे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। सो आज ही ज्वाइन कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए।